भिलाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना का प्रसार जोरों से चल रहा है। वहीं निगम पार्षद और पर्यावरण व उद्यानिकी विभाग अध्यक्ष नेहा साहू के नेतृत्व में कुरूद में हाथ से हाथ बढ़ाओ अभियान का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए नगर निगम ने किया। इस दौरान कुरूद में नकटा तालाब सफाई अभियान में पार्षद नेहा साहू के साथ उमेश साहू और उषा शर्मा भी हिस्सा बने। साथ ही सभी ने गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालने की अपील की। मैडम के द्वारा आज कैलाश नगर में कुरूद में नरवा गुरवा बारी के दौरान ये एक अच्छा स्टार्टअप किया गया है कि तालाब को साफ रखने के लिए। और इसके लिए हम लोग ने आज तालाब के आसपास जितनी भी पन्नियाँ थी, तालाब में जितने भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ थी और भी कुछ चीज़ें गंदगी जो डाल के रखे थे वो हटा के साफ़ किए हैं। और हमारा लोगों से यही अपील है कि आप अगर कोई भी चीज़ विसर्जन करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर डाल के छोड़ना है, आप उसको टच करके किनारे में रख सकते हैं ताकि कोई आके उसको उठा के लेके चला जाए निगम का। तो हम सभी से यही निवेदन करेंगे कि आप विसर्जन करने के बाद उसको साइड में रख लें, अंदर छोड़ के ना रखें ताकि मिट्टी जो भी चीज़ें हैं वो उठा के कोई ले जा सके। आज हम लोगों ने यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी, उनकी एक बहुत ही महती योजना है नरवा गुरवा घरवा बारी, उसके को लेते हुए, उसके प्रचार प्रसार को करते हुए और उसको बेस मानते हुए हम लोग पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए, तालाबों को, सरोवर को बचाने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और इस तालाब को, ये कुरूद वार्ड कुरूद 22 में तालाब है, नकटा तालाब है, मैं पर्यावरण प्रभारी नेहा साहू, इस तालाब के लिए सफाई और स्वच्छता के लिए हम लोग जो है यहाँ पे एक अभियान चला रहे हैं। और हम ये अभियान जो है वो धीरे धीरे सभी वार्डों में कोशिश करेंगे, लोगों से, जनता से सहयोग लेते लेते, वहाँ के पार्षदों से, और निगम इसमें ऑलरेडी जो है काम कर रहा है, उनको भी, मतलब निगम के जो कर्मचारी हैं, निगम के जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, वो लोग सब भी जो हैं तालाबों को सफाई करने में लगे हुए हैं, उनका भी सहयोग रहा है। जितने भी अपने तालाब है, जितने भी जगहों के तालाब है, सबसे गाँव वालों से निवेदन रहेगा कि गंदगी ना करें, झीली ना फेंके घर में, जबकि कचरे गाड़ी जा रही है उसके बावजूद भी घर के बाहर जगहों पे, नदी किनारे, तालाब के किनारे कचरा फेंक दिया जाता है, वो ना फेंका जाए ताकि हम हर जगह को सुरक्षित कर सकें और ताकि लोगों में बीमारियां ना फैलें।